हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं निशांत, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। तो देखो, बहुत ही शानदार पंक्तियां हैं कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। तो इस वीडियो को देखने वाला हर एक स्टूडेंट इसी साल जेई एडवांस में एक टॉप रैंक सिक्योर करने की अपनी अपनी जिद को पूरा करने के लिए अपना अपना बेस्ट दे रहा है, जी जान से मेहनत कर रहा है। आपकी इसी जिद को पूरा कराने के लिए टीम सीएलसी ने एक डेली कम मेजर टेस्ट सीरीज फॉर जेई 2021 चला रखी है। इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर 9 का। मेजर है, फुल सिलेबस इसमें रखा गया है। जिस तरह के जेई में हमारे पास क्वेश्चन दिखाई देते हैं उसी तरह के जो क्वेश्चन है यहां पर रखे गए हैं। क्लियर है क्या? पेपर जो है इसमें हमने 3 सेक्शन रखे हैं। सेक्शन ए में सिंगल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास 10 क्वेश्चन, फिर उसके बाद मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन 4 एंड 4 क्वेश्चन जो है वो इंटीजर टाइप के इसमें रखे गए। तो उम्मीद है सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, सबका पेपर अच्छा गया होगा। चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, इफ द स्विच इज क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, देन ओपन एट टी इक्वल टू 0, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एट टी इक्वल टू 0 इज। तो देखो, इंडक्टर की एक खास बात होती है। क्या खास बात है? कि इंडक्टर में से जब भी पास होने वाला करंट चेंज होगा, करंट का अपोज नहीं करता ये, करंट में चेंज का अपोज करता है। तो जब भी इंडक्टर में से कोई करंट जो है वो चेंज होगा तो ये चेंज का अपोज करता है। क्लियर है क्या? इसी प्रॉपर्टी को काम में लेके क्वेश्चन करते हैं। जरा देखो जरा, तो इंडक्टर इसमें क्या किया, स्विच को हमने पहले तो क्लोज किया, स्विच को हमने क्या कर दिया, क्लोज। स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होता रहेगा, करंट फ्लो होगा इसमें से भी और इसमें से भी। तो इंडक्टर जो है एक वेरी लॉन्ग टाइम के बाद में एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। तो मैं कह सकता हूं कि काफी लंबे टाइम तक जब इसको क्लोज रखा है तो ये इंडक्टर तो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करने लग गया। तो पूरे सर्किट में अगर देखो तो 20 ओम का काम खत्म, क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम, और इस हिसाब से इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा 50/10 मतलब 5 एम्पियर। काफी लंबे टाइम तक स्विच को क्लोज रखने पर इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अब क्या किया है, अब बोला गया है कि इस स्विच को क्या कर दिया, यहां से ओपन, स्विच को क्या कर दिया, ओपन। स्विच ओपन करने से पहले इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था बैटरी की वजह से। स्विच जैसे इसको ओपन करेंगे तो बैटरी की सप्लाई तो बंद हो गई, तो यहां पर क्या होगा, इंडक्टर में से करंट चेंज होगा, बट चेंज का क्या करेगा, ये अपोज। तो ये खुद ऐसी बैटरी, खुद जो है हमारे पास एक ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करेगा ताकि इसी ब्रांच में जो 5 एम्पीयर करंट है वो बना रहे। क्लियर है क्या? तो स्विच ओपन करने के जस्ट बाद भी इसमें 5 एम्पीयर करंट ही फ्लो हो रहा होगा, तो इस लूप में भी 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा होगा। तो 20 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हमारे पास 100 वोल्ट, और यही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस इंडक्टर के अक्रॉस रहा होगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा हमारे पास 4th ऑप्शन, 100 वोल्ट। उम्मीद है सबका करेक्ट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई, बोला है इफ एल सी एन आर, एल सी और आर की वैल्यू हमें दे रखी है, तो गिवन सप्लाई के लिए हमसे पूछा है आरएमएस करंट। क्लियर है क्या? तो पहले तो मैं गिवन सप्लाई के करेस्पॉन्डिंग में एक्सएल, रिएक्टिव और हमारे पास जो इंपीडेंस जो है उनकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। देखो, एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एल, मतलब ओमेगा की वैल्यू 200, एल की वैल्यू हमारे पास 25 मिली हेनरी, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5 ओम, ठीक है। इसी तरह से अगर कैपेसिटिव इंपीडेंस की बात करूं तो 1/ωC, तो ये आ जाएगा 1/200, ओमेगा सी की वैल्यू है 1 मिली फेरड, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 10/2, ये भी 5 ओम आ गई। क्लियर? आर की वैल्यू हमें दे रखी है 10 ओम, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं 1/Z निकालूं तो नेट इंपीडेंस आती है हमारे पास 1/R² प्लस 1/XL माइनस 1/XC का होल स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखो तो XL XC यहां पर सेम हो गए, तो इफेक्टिव Z जो है वो R के इक्वल आ जाएगा, मतलब सर्किट जो है एक प्योरली रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने वाला है। और अगर सर्किट प्योर रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो मैं करंट की वैल्यू बोल सकता हूं I नॉट हो जाएगा हमारे पास E नॉट बाई R, या बोल सकता हूं IRMS की वैल्यू हो जाएगी ERMS बाई R, ठीक है। तो यहां से देखो, E नॉट की वैल्यू दे रखी है 50, R की वैल्यू हमें दे रखी है 10, तो I करंट का पीक वैल्यू तो आ गया 5 एम्पियर, तो RMS वैल्यू कितना हो जाएगा, RMS वैल्यू हो जाएगा 5/√2 एम्पियर। बट इसने सब कुछ √2 के टर्म्स में दे रखा है, तो इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीपल कर दो तो ये बन गया नीचे
2.5√2 एम्पियर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखें। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है हमें, 3 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स हैविंग रेडियस r, 2r एंड 3r एंड फाइनल चार्जेस q1 q2 एंड q3 इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट सेल्स आर ऑलरेडी अर्थ एज इन द फिगर चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है यहां पर। ठीक है तो हमें जो डायग्राम दे रखा है उसमें क्या है, ये इनर सेल जिस पे चार्ज है q1 रेडियस है r, इसके चारों तरफ एक कॉन्सेंट्रिक दूसरा सेल q2 चार्ज जिसकी रेडियस 2r, इसके चारों तरफ एक और तीसरा सेल q3 चार्ज वाला जिसकी रेडियस है 3r और हमने अंदर वाले को और जस्ट बाहर वाले को अर्थ किया हुआ है। अब जहां जहां अर्थ किया हुआ है उस पॉइंट का पोटेंशियल हम क्या लेंगे, 0। तो कुल मिला के हमें करना है क्या है, इनर सेल और जस्ट आउटर सेल का जो हमें इनर सेल और आउटर सेल का पोटेंशियल 0 करना है, अपने आप चार्ज में रिलेशन मिल जाएगा। तो देखो ये आउटर पॉइंट की बात करते हैं, आउटर पॉइंट जो है वो q3 के तो क्या हो गया सरफेस पे, बाकी सबके लिए बाहर है, तो आउटर पॉइंट का पोटेंशियल 0 करते हैं तो बाहर वाले की वजह से अंदर वाले की वजह से हो जाएगा k q1/3r, फिर बीच वाले की वजह से k q2/3r और सबसे बाहर वाले की वजह से हो जाएगा k q3/3r = 0। तो यहां से रिलेशन मिल गया हमें कि q1+q2+q3 की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्लियर, ठीक है भाई। अब बात करते हैं सबसे अंदर वाले की, सबसे अंदर वाले का अगर मैं चार्ज पोटेंशियल लिखूं तो ये अंदर वाले के तो सरफेस पे हो गया, तो अंदर वाले की वजह से आएगा यहां k q1/r। क्लियर, बाकी दोनों के लिए अंदर हो गया ये, तो बाकी दोनों के लिए उतना ही पोटेंशियल आएगा जितना उनकी रेस्पेक्टिव सरफेस पे होगा। तो हम कह सकते हैं q2 की वजह से कितना आएगा k q2/2r और q3 की वजह से आएगा k q3/3r = 0। तो यहां से रिलेशन मिल गया q1+q2/2+q3/3 = 0। ये हमें तीनों के तीनों चार्जेज में हमारे पास 2 इक्वेशंस मिल गई जिनको काम में लेके हमें q1 q2 q2 q3 इन सब में रिलेशन निकालना है। तो चेक करते हैं एक एक करके, ऑप्शन नंबर वन जो है वो सीधा सीधा सा दे रखा है q1 q2 और q3 में रिलेशन, तो हम साफ साफ कह सकते हैं q1+q3 की वैल्यू -q2 के इक्वल है, बिल्कुल है, तो ये करेक्ट हो गया, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो इसमें q1 और q2 में रिलेशन निकालना है। ठीक है भाई, तो अपन क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से डिवाइड करते बन जाएगा q1/3 q2/3 q3/3 = 0। ठीक है, अब फर्स्ट में से सेकंड को इस बनी हुई थर्ड इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो, तो क्या बन गया ये, इसमें से ये गया तो ये बन जाएगा 2q1/3 q2/2 में से ये गया q3/3 तो खत्म, तो ये रिलेशन आ गया 2q1/3 - q2/6 = 0। उधर ले जाओ इसको, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास 2/3 है ना, ये 6 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां से हमारे पास 3 से ये गया 2 टाइम्स, तो q1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये प्लस में आया सॉरी, = 0, तो बीच में ये आ जाएगा q1 की वैल्यू -q2/4। q1 की वैल्यू आ जाएगी यहां से -q2/4, बिल्कुल यही दे रखा है, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जरा थर्ड ऑप्शन की तरफ। हाँ भाई, थर्ड ऑप्शन में हमें q3 और q1 में रिलेशन निकालना है, q3 और q1 में। ठीक है, q3 तो q2 को गायब करना पड़ेगा, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं। अब करना कुछ नहीं है, इनको सॉल्व कर करके ऑप्शन चेक करना है बस, ये रिलेशन निकालना हमें किसमें, 3 और 1 में निकालना है। तो आप क्या करो, 2 में से 3 को सबट्रैक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा q1/2 + q3/3 - q2/3 = 0। तो ये आ गया q1/2, यहां से आ जाएगा -q3/6 = 0। तो इसको उधर लेके जाओगे तो इक्वल में चला जाएगा ये, तो यहां से 2 से गया 3 टाइम्स, तो q3/q1 की वैल्यू आ गई 3, बिल्कुल ये भी क्या करेक्ट है हमारे पास। अब साफ साफ कह सकते हैं 3 ऑप्शंस करेक्ट है, तो 4th ही रॉन्ग रहा होगा, बट फिर भी चेक करते हैं एक बार, मैच करते हैं अपना आंसर कि वो इनकरेक्ट है या नहीं। तो 4th ऑप्शन के लिए 2 और 3 में रिलेशन चाहिए, तो सीधा आप 1 में से 2 को सबट्रैक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा q2/2, ये बन जाएगा 2q3/3 = 0। तो यहां से देखो q2/2 की वैल्यू आ गई -2/3 q3, तो q3/q2 का रेशो आ गया -3/4,
बट इसने जो दे रखा है माइनस वन बाई थ्री दे रखा है, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा और हमें यही पूछा है हमसे, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर देखें जरा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला है, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट y इक्वल टू 1 mm, ये जो अरेंजमेंट है उसमें y की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल d की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल d की वैल्यू दे रखी है, द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ द एमिटर इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो यहाँ पर एमिटर लगा हुआ है उसका वर्क फंक्शन भी दे रखा है। तो बोला द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नीडेड टू स्टॉप द फोटो करंट विल बी, बेसिकली ये जो है हमारे पास दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया, एक तरफ तो ये हो गया YDAC, एक तरफ हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले तो मैं ये जो लाइट इमिट हो रही है यहाँ उसके एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेता हूँ YDAC को काम में लेते हुए। तो देखना, तो YDAC में अगर तुम देखो तो इस स्लिट और इस स्लिट के लिए ये हो गया हमारे पास सेंट्रल ब्राइट, और ये जो Y दे रखा है ना, ये जो Y दे रखा है ये हमारे पास फर्स्ट डार्क है। तो फर्स्ट डार्क के लिए जो इस Y की वैल्यू जो है वो होती है हमारे पास लैम्बडा वाई टू डी वाई डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन एंड स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। तो यहां से देखो लैम्बडा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2YDYD, तो लैम्बडा निकाल लेते हैं, लैम्बडा की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू हमें दे रखी है 1 mm मतलब 10^-3, d की वैल्यू हमें दे रखी है 0.24 mm मतलब 24×10^-5, d की वैल्यू हमें दे रखी है 1.2 meter मतलब 12×10^-1, सॉल्व करते जरा इससे, तो इससे गया 2 times, तो लैम्बडा की वैल्यू आएगा यहाँ पर कितनी 4, ये ऊपर जाके हो जाएगा हमारे पास 10^-7 meter मतलब 4000 angstrom जो है यहां पर लाइट की वेवलेंथ है। अब 4000 अगर angstrom लाइट की वेवलेंथ है तो इसके एक फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक फोटोन की एनर्जी E0 हो जाएगी हमारे पास 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्बडा की वैल्यू angstrom में, तो इससे ये गया, ये वैल्यू आ गई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां जो लाइट काम में ली जा रही है उसके एक फोटोन की एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये तो YDAC से काम हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे देखें जरा। हाँ भाई, अब हमसे क्या पूछा है कि देखो इधर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉम्बिनेशन हो गया कि कैथोड से, कैथोड के लिए हमें जो वर्क फंक्शन दे रखा है इस मटेरियल का फाई, वो दे रखा है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, इस पे फोटोन आ रहा है 3.1 का, वर्क फंक्शन है 2.2, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी 3.1-2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको अपन कह सकते हैं 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको रोकने के लिए अगर हम VS स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाऊं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी E×VS, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया हमारे पास 0.9 वोल्ट आ गया। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आगे चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 पैराग्राफ 1 क्या बोला है इसमें, इनिशियली द न्यूक्लियस ऑफ रेडियम 226 इज एट रेस्ट। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, एक रेडियम का न्यूक्लियस है 226, तो इसका मास हो जाएगा हमारे पास 226, इसका अगर जेड एटॉमिक नंबर है तो 226 mp। ठीक है, रेडियम 226 ये मास नंबर है इसका। ठीक है, इट डिकेज ड्यू टू विच अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस ऑफ रेडॉन आर क्रिएटेड। रेडॉन का एटॉमिक नंबर 222 होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या यहां पर रखा हुआ था पहले, अभी अचानक से फट गया, स्प्लिट हो गया, तो बम फटने जैसी कहानी है। तो इससे एक तो निकला अल्फा पार्टिकल जिसका मास हो जाएगा प्रोटॉन के मास का 4 times, और एक निकला हमारे पास रेडॉन, तो रेडॉन का मास कितना हो जाएगा 226, तो इसका है 4 उसका है, तो इसका हो जाएगा हमारे पास 222 mp। ठीक है, ये मान लो आगे गया B1 से, तो ये पक्का पीछे जाएगा B2 से, और M1 V1 बराबर M2 V2 होंगे। क्यों? क्योंकि फटा जो है इंटरनल फोर्स से फटा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ है नहीं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा। तो मैं साफ साफ कह सकता हूं जितना यहां पर मोमेंटम जो है अल्फा का होगा उतना ही मोमेंटम यहां पर जो है हमारे पास नया जो न्यूक्लियस बनाया रेडॉन इसका हो जाएगा। क्लियर, अब मोमेंटम सेम है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखो जरा, विच अपीयर्स एज द काइनेटिक, आगे क्या बोला है, द रिलेटेड एनर्जी ड्यूरिंग द डिके इज 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
विच अपियर्स एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू रिजल्टेड पार्टिकल्स, कि भाई इस एक्सप्लोजन में, इसके स्प्लिट होने में हमारे पास 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई है, जो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास मिली है हमें। तो हम साफ साफ कह सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता लग गई 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाले तो इंडिविजुअल की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हमें पता होता है पी स्क्वायर बाई 2m, पी सेम है तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मास के प्रोपोर्शनल आ गई। तो मैं कह सकता हूं के आर के अल्फा अपॉन के आर, अल्फा और रेडॉन की एनर्जी का रेशियो जो है वो हो जाएगा एम आर बाई एम अल्फा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 222/4, ये आ गया हमारे पास रेशियो इनकी काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अब आगे बढ़ते जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड रेडॉन न्यूक्लियस आर रेस्पेक्टिवली। अब निकालते हैं इनकी एनर्जी, रेशियो हमें पता लग ही चुका है। तो देखो अल्फा की एनर्जी निकालते हैं, तो तुम साफ साफ देख सकते हो अल्फा की एनर्जी सबसे ज्यादा रही होगी, क्योंकि अल्फा को क्या है, मास बहुत कम है, एनर्जी बहुत ज्यादा रही होगी। तो ये तो ज्यादा एनर्जी वाली जो टर्म जो तुम्हें दिख रही है ना, वो अल्फा की रही होंगी। ठीक है, तो अल्फा वाला शुरुआत में ज्यादा आएगा, तो इसमें सब में देखो सब में पहला पॉइंट ज्यादा दे रखा है, तो इससे तो क्रॉस चेक करके तो काम चलेगा नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करते हैं भाई, तो के अल्फा हम क्या लिखेंगे, के अल्फा हो जाएगा हमारे पास अल्फा का रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल एनर्जी 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, तो अल्फा की एनर्जी तो कितनी आ गई 4.78, तो टोटल में से 4.78 और सबट्रैक्ट कर दूं तो यहां से हमारे पास रेडॉन की भी एनर्जी आ जाएगी 0.09 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तो आ गई इनकी काइनेटिक एनर्जी। आगे पूछा है 6 में, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब देखो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पता है, मोमेंटम तुम निकाल सकते हो पी इक्वल टू रूट 2 एम के से, कैलकुलेशन है बस अब इसमें और कुछ नहीं बचा। तुम बोल सकते हैं पी की वैल्यू हम बोल देंगे रूट 2 मास ऑफ अल्फा इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, वैल्यू रखते हैं इसकी तो अंडर रूट 2, आंसर हमें ऐसा यूनिट में दे रखे तो 2 मास ऑफ अल्फा कितना होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये आ गया 2m। के अल्फा की बात करें तो के अल्फा हमारे पास आया है 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इनटू 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इनटू 10^-19, ये आ गया हमारे पास अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम। सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.01 × 10^-19 kg/s। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बोला है कि द फिगर शोज एन एटोमाइजर, ये हमारे पास एक एटोमाइजर दे रखा है, स्विफ्ट एयर फ्लो इज मेंटेन बाय कंप्रेसिंग द बल्ब, कि यहां पर से क्या है, ये जो बल्ब है इस बल्ब को यहां से, अभी इसमें लिक्विड भरा हुआ है, यहां पर एयर हो गई, ये यहां पर एटोमाइजर हो गया। अब इस बल्ब को अपन यू कंप्रेस करेंगे तो बल्ब के कंप्रेस होने के साथ साथ इसमें से लिक्विड ऊपर चढ़ेगा और यहां पर छींटों की फॉर्म में, ये ड्रॉप्स की फॉर्म में बाहर निकलने वाला है। ठीक है, तो आगे क्या बोला है, द हाई वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लो रिड्यूसेज प्रेशर एट पोजिशन ऑफ द वर्टिकल ट्यूब, ठीक है, इज स्प्रेड आउट ऑफ बाय व्हिच हाई वेलोसिटी एयर, इफ द गॉज प्रेशर इन द बल्ब इज पी एंड वी इज द स्पीड ऑफ एयर इन बीसी, टेक डेंसिटी ऑफ एयर सिग्मा एंड द लिक्विड रो। तो सुनना जरा, एक काम कैसे करता है कि देखो जैसे यहां तुम दबाओगे तो यहां पर जो है स्पीड बढ़ जाएगी और जिस स्पीड से एयर आगे जाएगी उसी स्पीड से यहां से वाटर ड्रॉप जाने वाली। तो पहली बात तो इसके अंदर वाटर ड्रॉप और हमारे पास एयर दोनों की स्पीड सेम होगी। दूसरा, जैसे यहां पर स्पीड आएगी तो काइनेटिक प्रेशर आ जाएगा, काइनेटिक प्रेशर आ जाएगा तो स्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर बात करूं मैं तो इस पॉइंट पे स्टैटिक प्रेशर हो गया, इस पॉइंट पर अगर प्रेशर की बात करें तो कम हो जाएगा स्पीड आने की वजह से, यहां पर अगर बात करें तो ज्यादा है तो लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करेगा और फाइनली इसमें से छींटों की फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये तो है इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, अपन क्वेश्चन करते हैं, तो इसके अंदर एक बल्ब के अंदर हमें गॉज प्रेशर दे रखा है, गॉज प्रेशर होता है मान लो इस पॉइंट को मैं मान लू P1 और इसी ऑरिजेंटल लेवल पे मैं मान लेता हूं पॉइंट P2 और यहां जस्ट नीचे सरफेस के लेवल में पॉइंट मान लेता हूं थर्ड पॉइंट। क्लियर, तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। क्लियर,
तो इसने क्या बोल रखा है कि बल्ब के अंदर जो गॉस दाब है वो है पी। तो गॉस दाब क्या होता है, गॉस दाब हो जाएगा वन का दाब माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये जो डिफरेंस है ना इसको गॉस दाब कहते हैं। तो ये इसने पी दे रखा है, तो मुझे वन का दाब मिल गया। वन का दाब कितना मिल गया, वन का दाब हो गया पी प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर पी, ये तो आ गया वन का दाब। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो बोला इफ एटमोस्फेयर प्रेशर इज पी ए, फाइंड द एप्रोक्सीमेट प्रेशर इन बी सी, कि हमें बी सी में यहां पर एप्रोक्सीमेट प्रेशर निकालना, तो अपन क्या करें, वन और टू पॉइंट पर हम वर्नौली इक्वेशन लगा दें, क्योंकि यहां तो एयर जो है वो वी स्पीड से जा रही है, तो वर्नौली इक्वेशन लगाओ आंसर पाओ। तो लगाते हैं भाई, तो ए के लिए अगर वन के लिए अगर हम लगाएं तो लिखेंगे दाब पी वन प्लस रो, दाब पी वन प्लस हाइट तो सेम ही है, तो सिग्मा जी एच प्लस, यहां कोई वेलोसिटी है नहीं, तो हाफ सिग्मा जीरो का स्क्वायर इक्वल टू, यहां बात करूं तो दाब हो गया यहां का P2 जो कि हमें निकालना है, प्लस हाइट दोनों की सेम ही है, तो सिग्मा जी एच, एच डैश नाम दे देता हूं मैं इसके लेवल को, इनके लेवल को कुछ अलग ही नाम देता हूं, एच डैश सेम ऑरिजेंटल लेवल है क्योंकि वो एच ये वाला एच नहीं है, ठीक है, प्लस हाफ सिग्मा वी स्क्वायर। तो ये तो गए, तो यहां से ये भी गया जीरो है, तो यहां से देखो P1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, P प्लस पी ए इक्वल टू पी टू प्लस हाफ सिग्मा वी स्क्वायर। तो यहां से P2 मतलब BC वाली ट्यूब में जो प्रेशर जो है एयर का वो कितना रहा होगा, P प्लस पी ए माइनस हाफ सिग्मा वी स्क्वायर, तो P प्लस पी ए माइनस हाफ सिग्मा वी स्क्वायर सेकंड ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, एट क्वेश्चन में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन बीसी, इस वी की वैल्यू पूछ ली। तो ध्यान से देखना जरा, इस पॉइंट का हमें प्रेशर पता, अब देखना जैसे जैसे इसमें लिक्विड चढ़ा होगा तो ये वाला जो लिक्विड है जो एच हाइट तक चढ़ा है ये हो गया हमारे पास स्टेटिक लिक्विड, क्लियर, यहां से यहां तक तो स्टेटिक है पूरा का पूरा। ये जो जस्ट देखना जरा, मैं इसको थोड़ा सा अलग से बना देता हूं, ये ट्यूब, ये कि इस ट्यूब में जो लिक्विड भरा हुआ है साथ में ये लिक्विड तो है स्टेटिक, इसका जो पार्टिकल जस्ट इस पॉइंट के ऊपर होगा इस बीसी ट्यूब में वो एयर के साथ आगे जा रहा होगा बी से, तो ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया, स्टैटिक फ्लूइड। तो इस स्टैटिक फ्लूइड में हम प्रेशर लिख सकते हैं पी प्लस रो जी एच। अब समझना, इस पॉइंट का प्रेशर हमको पता है पी टू, इस पॉइंट का प्रेशर हमें पी टू पता है, इस पॉइंट का प्रेशर पी थ्री हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसके हिसाब से अगर लिखे तो नीचे जाने पर पी टू प्लस रो डेंसिटी दे रखी है एच हाइट के साथ, तो रो जी एच और बढ़ जाएगा, यह आ गया पी थ्री। और P3 को अगर हम देखें तो P3 जो है हमारे पास बाहर एटमॉस्फेयर के साथ वाले लेवल पे है, तो उसका प्रेशर डेफिनेटली PA के इक्वल रहा होगा, क्लियर। अब देखना, रखो P2 की वैल्यू, P2 की वैल्यू अपन को ऑलरेडी पता है, PA प्लस P माइनस हाफ सिग्मा V स्क्वायर इक्वल टू है P3, मतलब PA के साथ में रोजी एच और चल रहा है इधर प्लस रोजी एच, क्योंकि ये तो P2 की वैल्यू पूरी की पूरी, तो PA से PA गया, P प्लस रो जी एच की वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ सिग्मा वी स्क्वायर, तो यहां से V की वैल्यू आ जाएगी P प्लस रो जी एच अपॉन सिग्मा बाई टू का रूट, P प्लस रो जी एच अपॉन सिग्मा बाई टू का रूट, तो थर्ड ऑप्शन जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है क्या। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, पैराग्राफ नंबर थ्री। हाँ भाई, क्या बोला है इसमें, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ब्लॉक ए एंड बी ईच ऑफ मास स्मॉल एफ कनेक्टेड बाई ए लाइट स्प्रिंग एस सोन इन दून विद ब्लॉक बी इन कॉन्टेक्ट विद द बॉल, ठीक है यहां पर बी कॉन्टेक्ट में बॉल के, द ब्लॉक ए कंप्रेसेज द स्प्रिंग बाई थ्री एम जी वाई के फ्रॉम नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, की हमने क्या किया नेचुरल लेंथ पे था, फिर ए को यहां से थ्री एम जी वाई के कंप्रेस कर दिया एंड देन रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अब यहां से इसको रिलीज कर दिया तो ये आगे भागेगा, नेगलेक्ट फ्रिक्शन एनीवेयर, फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है, ठीक है भाई। आगे क्या पूछा है, एक्सीलरेशन ऑफ सी एम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछ लिया ऑफ सिस्टम कंप्रोमाइजिंग ए एंड बी जस्ट आफ्टर ए रिलीज, जैसे ही इसको यहां से रिलीज किया है उस टाइम पर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछा है इसमें, तो देखें जरा 3 mg by k से कंप्रेस किया कि ये हो गई हमारे पास बाउंड्री, ये है बी, ये स्प्रिंग, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, ये नेचुरल लेंथ पे था पहले, हमने यहां से इसको कंप्रेस कर दिया 3 mg by k, तो कहानी हो गई कुछ ऐसी, m इसमें कंप्रेशन आ चुका है ये m,
अब इसको छोड़ दिया यहां से। तो इस टाइम अगर मैं बात करूं तो देखना, इस टाइम अगर बात की जाए तो कंप्रेशन की वजह से इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग का आगे की तरफ, और कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल में, इस ब्लॉक पे लग रहा होगा पीछे की तरफ, जिसकी वजह से ये जो सरफेस जो है इस पे लगा देगी नॉर्मल। ठीक है, अभी इसमें एक्स कंप्रेशन है तो इस पे फोर्स लगेगा आगे के एक्स, इस पे पीछे लगेगा के एक्स। अब देखो ये ब्लॉक दीवार तोड़ के तो आगे जा नहीं रहा, तो जितना के एक्स लगेगा उतना ही आगे नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन तो हो गया जीरो। क्लियर, क्योंकि ये दीवार तोड़ के तो आगे जा नहीं रहा और स्प्रिंग फोर्स इसको पीछे धकेलना चाह रहा है, तो यहीं पे रखा रहेगा इक्विलिब्रियम में। लेकिन इसकी अगर बात करूं तो इस पे के एक्स आगे लग रहा है तो इसका एक्सीलरेशन आगे की तरफ आ जाएगा के एक्स बाई एम। अब एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू 3mg/k, तो ये वैल्यू आ गई 3mg/m, तो इसका एक्सीलरेशन आ गया 3g। मतलब जैसे ही रिलीज करेंगे हम इसको तो ए वाला जो हमारे पास ब्लॉक है वो आगे जाएगा 3g से, और बी वाले का कोई एक्सीलरेशन नहीं है। इस टाइम पे अगर मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन अगर निकालूं तो वो जाएगा m इंटू बी का एक्सीलरेशन प्लस m इंटू ए का एक्सीलरेशन आगे की तरफ अपॉन टोटल मास 2m, तो ये वैल्यू आ गई 3g/2। तो सेंटर ऑफ मास का जस्ट आफ्टर रिलीजिंग जो एक्सीलरेशन है वो हो जाएगा 3g/2। क्लियर, ऑप्शन देखते हैं जरा। तो इस तरह का ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, ठीक है, तो 3g/2 हमें दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में क्या बोला है, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग आफ्टर सिस्टम लूजेज कॉन्टेक्ट विद बॉल। ठीक है भाई, आगे वाला पोर्शन देखते हैं। कि अब क्या होगा कि ये जो है आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा तो अपनी नेचुरल लेंथ अचीव कर लेगा, फिर से इस कंडीशन में आ जाएगा। बट जब यहां तक ये पहुंचेगा तो ये कुछ ना कुछ स्पीड अचीव कर चुका होगा। तो पहले तो उस स्पीड की बात कर लेता हूं कि मान लो जब ये यहां से वापस यहां पहुंचा तो इसने स्पीड अचीव कर ली हुई, ये तो अभी तक मूव नहीं किया है क्योंकि जब तक के एक्स उधर लगता रहेगा तब तक ये मूव नहीं करने वाला। ठीक है, तो जब ये ए वाला ब्लॉक मेन पोजिशन पे पहुंच जाएगा, नेचुरल लेंथ पे लेके आ जाएगा स्प्रिंग को, तब तक उसकी वेलोसिटी तो जीरो है। क्लियर, किसी तरह का कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो हम बोल देंगे यहां पर पहले थी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग में, यहां स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, वो भी ए की। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के mg/k हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर में। तो इससे तो ये गया, इससे 2 से 2 गया, m पड़ा हुआ यहां। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास k/m 3mg/k का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई v स्क्वायर की। ठीक है, अब सुनना, अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में अगर मैं बात कहूं कि भाई ये वापस फिर से अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया तो स्प्रिंग का फोर्स जीरो, तो नॉर्मल जीरो। अब ये वेलोसिटी की वजह से आगे जाएगा, वेलोसिटी की वजह से आगे जाएगा तो स्प्रिंग में होने लगेगा एक्सपेंशन, स्प्रिंग में अब एक्सपेंशन होगा। तो कहानी क्या हो जाएगी देखना, ये ब्लॉक आगे जाने लगेगा। क्लियर, तो स्प्रिंग में अब एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन की वजह से इस पे फोर्स लगेगा पीछे की तरफ और इस पे लगेगा आगे की तरफ, तो ये बी वाला भी आगे मूव करने लग जाएगा। क्लियर, अब पूछा है मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना होगा, तो अब ये सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम है हमारे पास। हमें पता है मैक्सिमम एक्सपेंशन या कंप्रेशन हमें तब दिखाई देते हैं जब हमारे पास ये ब्लॉक जो है वो सेम वेलोसिटी अचीव कर लेंगे। क्लियर, तो अभी वी था, मैं मान लेता हूं फाइनली इन्होंने बी डैश वेलोसिटी अचीव कर ली है, तो एनर्जी बी डैश वेलोसिटी अचीव कर ली है, तो अब अगर बात करें तो अब तो तुम एनर्जी भी कंजर्व करा सकते हो और मोमेंटम भी कंजर्व करा सकते हो। जब वो यहां पर दबा हुआ था ना, ये भी इस दीवार को दबा रहा था, तब मोमेंटम कंजर्व नहीं था क्योंकि दोनों ब्लॉक सिस्टम पर यहां पर से एक्सटर्नल फोर्स नॉर्मल आ रहा था, बट यहां तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व करा सकते हो। तो करते जरा, पहले मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। तो इस टाइम पे मोमेंटम था mb, अब हो गया 2mb', तो mb इक्वल टू 2mb', तो b' की वैल्यू आ गई b/2। मतलब जब मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा जिनकी वैल्यू सेम ही आती है, उस टाइम दोनों की वेलोसिटी जो v/2 रही होगी। इस टाइम पे इसमें आ रखा है मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सपेंशन, जो भी है दोनों की वैल्यू सेम ही आती है x0। इस x0 की वैल्यू निकालनी है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं अब। तो इस टाइम पे एनर्जी कितनी है, इस टाइम पे टोटल एनर्जी हमारे पास हाफ mv2। अब फाइनली एनर्जी की बात करो तो कितनी हो जाएगी, हाफ mb² प्लस हाफ mb² तो इंटू 2 कर दो,
प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई एक्सपेंशन की वजह से, तो हाफ के एक्स नोट स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, इजिली तुम्हारे पास एक्स नोट आ जाएगा। तो अब मैं जरा इसको इरेज करके सॉल्व कर देता हूं। रखते वैल्यू, देखो कितना आ गया, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम, ये हाफ तो गया, एम बी डैस का स्क्वायर, बी डैस की वैल्यू बी बाई टू, तो बी स्क्वायर बाई फोर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, टू से ये टू टाइम्स ये खत्म, तो एम बी स्क्वायर में से ये गया, तो एम बी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो एम बाई टू बी स्क्वायर की वैल्यू वहां से रख दो, तो आ गया के वाई एम थ्री एम जी वाई के का होल स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो m से m गया, ठीक है, k से k गया, तो ये वैल्यू आ गई 1 बाई टू थ्री एम जी बाई के का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर। तो एक्स नॉट मैक्सिमम कंप्रेशन या एलोंगेशन जो है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3 एम जी बाई रूट के, इतना जो है उसमें मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सपेंशन रहा हुआ। क्लियर है? सीधी सी बात है, शुरुआत में जब तक वो फिर से ए अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आया था तब तक तो सिस्टम पे नेट फोर्स नॉर्मल लग रहा था, इसलिए उस टाइम तक मोमेंटम कंजर्व नहीं किया, एनर्जी कंजर्व की। उसके बाद में सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, एनर्जी मोमेंटम दोनों कंजर्वेशन लगाओ, आंसर पाओ। ऑप्शन मैच करते हैं जरा, आंसर आना चाहिए 3 एम जी बाई रूट के। हाँ भाई, तो मैक्सिमम एक्सपेंशन जो है हमारे पास 3 mg बाई रूट के, फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं जरा, तो सेक्शन बी की तरफ चलते हैं जरा, मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन बोला है, अ पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्टिंग एट रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे दी है, मूव्स वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सर्फेस से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अंडर एन एक्सटर्नल फोर्स एफ वेक्टर सच विच वेरीज विद हाइट जेड एज दिस, कि जो फोर्स जो है ऊपर की तरफ जिसकी वजह से मूव कर रहा है वो इस फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है, वेयर अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट इफ एच इज द मैक्सिमम हाइट टू विच पार्टिकल राइजेस, देन हमें फोर ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो देखना कि इस फोर्स की क्या है, कि ये हमारे पास सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर ये एम मास का ब्लॉक, इस पे ऊपर फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस 2 माइनस एल्फा जेड एम जी वैक्टर, यही लग रहा है 2 माइनस एल्फा जेड एम जी वैक्टर। क्या क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट, वर्क डन बाई दिस फोर्स, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एच बाई टू, ओके सब कुछ चेक करते हैं। हाँ भाई, तो ऊपर लग रहा है इतना, तो देखो जी जो है वो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, अगर हम यहां बात करें तो जी की वैल्यू होती है नीचे की तरफ, क्लियर, और ये फोर्स दे रखा है हमारे पास ऊपर की तरफ, क्लियर। अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन को प्लस मान लूं, ऊपर की डायरेक्शन को अगर मैं प्लस मान लूं, तो जी वेक्टर की जगह मेरे को माइनस जी लिखना चाहिए। ठीक है, तो रखते हैं जरा, इसकी जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस 2 माइनस अल्फा जी, जी की जगह लिखना चाहिए माइनस जी जे कैप, तो ये फोर्स आ गया हमारे पास 2 माइनस अल्फा जी एम जी जे कैप, मतलब ऊपर की तरफ इतना फोर्स लग रहा है, साथ में एम जी नीचे लग ही रहा है, क्लियर। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा एफ माइनस एम जी, तो एक्सीलरेशन जो है ऊपर की तरफ वो कितना आ जाएगा, एफ माइनस एम जी बाई एम, कितना आ गया ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन, वैल्यू रख दो, तो 2 माइनस अल्फा एम जी माइनस एम जी बाई एम, तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गया 1 माइनस अल्फा जी, कितना एक्सीलरेशन आ गया। अब किसी भी हाइट जेड पे अगर मैं बात कर रहा हूं, हाइट जेड के साथ को एक को हम लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी जेड इक्वल, सर यहां जेड भी चल रहा है ना, अल्फा जेड, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा जेड इंटू जी, तो यहां से रिलेशन आ गया वी डी वी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा जेड जी डी जेड। अब देखो जब हाइट जीरो है तब बोला गया पार्टिकल रेस्ट पे था, किसी जेड हाइट पे पार्टिकल की वेलोसिटी वी हो जाती, तो इसका फंक्शन आ जाएगा यहां से, ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जेड माइनस एल्फा जेड स्क्वायर बाई टू इंटू जी, तो ये वैल्यू आ गई यहां से वी की, देखो वी की वैल्यू कितनी आ गई, वी की वैल्यू आ गई यहां से अंडर रूट जी इंटू जेड
टू माइनस एल्फा जेड, ठीक है, टू से टू गया, टू जेड माइनस टू माइनस एल्फा जेड, ठीक है, ये जो है हमारे पास किसी भी जेड हाइट पे वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, ये किसी जेड हाइट पे वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। अब उसमें सबसे पहले तो बोला है मैक्सिमम हाइट, तो देखो मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी जीरो आ जाएगी तो, और इनिशियली भी जीरो है, तो पहले तो इसको जीरो के इक्वल करते हैं, तो जीरो के इक्वल किया तो ये जीरो कब हो जाएगा, जब ये टर्म जीरो हो जाए, मतलब जेड इंटू टू माइनस एल्फा जेड जीरो है, तो या तो जेड की वैल्यू जीरो होगी या जेड की वैल्यू टू बाई एल्फा होगी। जेड इक्वल टू जीरो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, तो उस टाइम तो वेलोसिटी जीरो थी, तो यही हमारे पास मैक्सिमम हाइट रही होगी, तो यहां से मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई, इस तो एच की वैल्यू आ गई हमारे पास टू बाई एल्फा, ठीक है। और क्या पूछा है, और पूछा है इसने यहीं पर वर्क डन और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एच एच बाई टू, एच बाई टू पर वेलोसिटी और एच बाई टू तक जाने में एफ ने कितना बार किया, ओके हाँ भाई, तो एच बाई टू पर अगर वेलोसिटी निकालनी है, एच बाई टू ये है, एच ये है, तो एच बाई टू कितना हो जाएगा, वन बाई एल्फा, तो वन बाई एल्फा पे वेलोसिटी निकालते हैं जरा, वहां पर तो ये वैल्यू आ जाएगी वी एच, वी की वेलोसिटी एच बाई टू पर आ जाएगी अंडर रूट जी, जेड की वैल्यू हमारे पास वन अपॉन एल्फा टू वन माइनस एल्फा वन अपॉन एल्फा, तो ये वैल्यू देखो कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई वी एट एच बाई टू अंडर रूट जी वाई एल्फा इंटू एल्फा से एल्फा गया वन, तो ये वैल्यू आ गई रूट जी वाई एल्फा, तो एच बाई टू हाइट पे वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है रूट जी वाई एल्फा, ठीक है। साथ में हम वर्क की बात करें कि जीरो से एच बाई टू तक ले जाने में कितना वर्क किया होगा, तो देखो ऊपर की तरफ ले जाने में एफ ने वर्क किया होगा, एफ डिजिट कहां से कहां तक निकालना है, जीरो से एच बाई टू, एच है इतना, तो एच बाई टू हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन एल्फा, तो ये वर्क आ जाएगा, रख दो वैल्यू, तो वैल्यू है हमारे पास फोर्स की वैल्यू ऊपर की तरफ टू माइनस एल्फा जेड। अब ये नेट फोर्स का वर्क नहीं पूछा है, उस एफ का वर्क पूछा है, इसलिए केवल वही लिखा, तो टू माइनस एल्फा जेड डी जेड लिमिट जीरो से वन अपॉन एल्फा सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा टू बाई एल्फा, साथ में एमजी और है ना बाहर, टू माइनस एल्फा जेड एमजी, ये फोर्स का एक्सप्रेशन यही तो रखा है, एमजी और बाहर, हाँ एमजी और बाहर है ना, ठीक है, तो एम जी तो साथ में चले गई, टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा टू अपॉन एल्फा, एल्फा जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई टू, तो वन अपॉन एल्फा स्क्वायर, बस डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, एल्फा जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई टू, बाहर चल रहा है अपने पास एम जी, इंटीग्रेशन किया बस मैंने, तो बन गया टू अपॉन एल्फा माइनस वन अपॉन टू एल्फा एम जी, तो ये वैल्यू आ गई थ्री बाई टू एम जी, तो डब्ल्यू आ गया हमारे पास थ्री बाई टू एल्फा, एच वाई टू तक जाने में इतना वर्क किया होगा। अब ऑप्शन मैच करते हैं जरा, हाँ भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन बोला है एच की वैल्यू वन अपॉन एल्फा, नहीं ये तो रॉन्ग है, वर्क डन बाय द एफ ड्यूरिंग मोशन अप टू एच वाई टू, एच वाई टू तक उठाने में वर्क किया थ्री एम जी बाई टू एल्फा, बिल्कुल सही है। थर्ड एच की वैल्यू टू अपॉन एल्फा, बिल्कुल सही है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एच वाई टू इज रूट जी वाई एल्फा, तो रूट जी एल्फा यही है, ये भी सही हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका टू थ्री एंड फोर, क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, हाँ भाई टू देखें जरा, हीट का क्वेश्चन है, बोला है एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम द स्टेट ए टू स्टेट बी और साथ में उनके करेस्पॉन्डिंग प्रेशर वॉल्यूम दे रखे हैं अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है स्ट्रेट लाइन दे रखा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है भाई, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस ए बी इज ग्रेटर देन द वर्क दैट वुड बी डन इफ द सिस्टम वर टेकन फ्रॉम ए टू बी अलोंग द आइसोथर्मल प्रोसेस, कि ए से बी तक अगर हम इसकी बजाय आइसोथर्मल से लेके जाते तो उसका वर्क, सुनना ध्यान से, कि ए से बी का जो वर्क है इस प्रोसेस में डब्ल्यू वन जो है ये वाला, ये आइसोथर्मल के प्रोसेस से, प्रोसेस के वर्क से ज्यादा, ऐसा ऑप्शन बोल रहा है, तो चेक करते हैं, तो साफ साफ देख सकते हो पीवी ग्राफ है, इस प्रोसेस का जो एरिया है नीचे पीवी ग्राफ का वो आइसोथर्मल के से ज्यादा, मतलब ये करेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन चेक। सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं इन द टीवी डायग्राम, ये तो है पीवी ग्राफ, इससे टीवी ग्राफ निकालते हैं, पहले तो इसकी अगर इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन आ जाए कुछ पी इक्वल टू माइनस एम वी प्लस सी टाइप का,
इस तरह का स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आ जाएगा। अब हमें टीवी में रिलेशन निकालना, तो पी की जगह रख दो एन आर टी बाई वी इक्वल टू माइनस एम बी प्लस सी, एम जहां स्लोप रहा होगा इस ग्राफ का, ठीक है, तो एन आर टी बाई बी। तो यहां से देखो टी, टी की वैल्यू अगर बात करती हो जाएगा हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट के इंटू वी स्क्वायर प्लस वी। तुम साफ साफ देख सकते हो टी यहाँ प्रोपोर्शनल आ रहा है माइनस वी स्क्वायर के, तो पैराबोलिक रिलेशन आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। इसका जो रिलेशन है वो कैसा आने वाला है, हमारे पास पैराबोलिक आने वाला है, कुछ कॉन्स्टेंट के, इसको के नाम देते हैं, इसको कुछ नए नाम दे देते हैं, कॉन्स्टेंट जो बनेगा उसको कुछ नया सीरियस मान लेना है ना, ये आ गया, ठीक है भाई। इसने क्या बोला है, इन द टीवी डायग्राम द पाथ ए बी बिकम्स ए पार्ट ऑफ पैराबोला। बिल्कुल सही बात है ये तो, कि भाई ए बी के लिए अगर टीवी ग्राफ बनाओ तो पैराबोला आ रहा है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, इन द पीटी डायग्राम द पाथ ए बी बिकम्स ए पार्ट ऑफ हाइपरबोला। कि पीटी डायग्राम देखना है कि ए बी का जो ग्राफ बनेगा ना वो पीटी में कैसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो पी को तो पी रहने दो, इक्वल टू माइनस एम, बी की जगह लिख दो पी बाई, पी की जगह बी की जगह लिख देते हैं एन आर टी बाई पी प्लस सी। तो ये बन जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस कुछ कॉन्स्टेंट के टी प्लस सी पी। तो इधर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस सी पी इक्वल टू माइनस के टी। तो तुम अगर ध्यान से देखो ना, तो टी जो प्रोपोर्शनल है कुछ पी स्क्वायर टाइप का कर्व आ रहा है यहाँ पर, टी प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर टाइप का कर्व बन रहा है, तो ये भी डेफिनेटली एक पैराबोला ही है हमारे पास, ठीक है। तो पैराबोला है तो हम कह सकते हैं इसने क्या बोला है कि हाइपरबोला मिलेगा, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। फोर्थ की बात करते हैं, इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी द टेम्परेचर ऑफ टी ऑफ द गैस फर्स्ट इंक्रीज एंड अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीज, ठीक है भाई चेक करते हैं। तो देखना यहां, तो टीवी में हमारे पास ये रिलेशन मिला, ठीक। अगर मैक्सिमम मिलेगा यानी उसकी कंडीशन चेक कर ले, तो एक बार तो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डी टी बाई डी वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू के वी प्लस सी। अब ये के और सी सारे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट लिए गए, माइनस का जो जहां पर साइन आना था वो मैंने लिख रखा है बकायदा, ये तो आ गया डी टी बाई डी वी, ठीक है भाई। अगर यह मैक्सिमम बनेगा तो इसका डबल डिफरेंशिएशन जो है वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव तो करते हैं, तो ये आ गया माइनस टू के। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि भाई इसका जो है हमें किसी ना किसी एक वैल्यू पे मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा। अब मैक्सिमम मिल रहा है मतलब यहां पर देखो मैक्सिमम मिल रहा है तो हम, ठीक है, एक तो इसमें मैक्सिमम मिलने वाला, दूसरा अगर ग्राफ की बात करें तो ये टी प्रोपोर्शनल कुछ माइनस वी स्क्वायर टाइप का ग्राफ बन रहा है, मतलब ग्राफ जो बनेगा ना टीवी ग्राफ वो हमारे पास कैसा बनेगा, ये बनेगा टी प्रोपोर्शनल माइनस वी की स्क्वायर, मतलब नीचे की तरफ ओपन होने वाला इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा। तो साफ साफ कह सकते हैं कि भाई ए बी प्रोसेस के लिए अगर तुम देखो ना, इस पूरे प्रोसेस के लिए अगर तुम देखो तो इस तरह का पैराबोला बन रहा है। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि वैल्यू पहले तो इंक्रीज हुई होगी, फिर ऊपर की तरफ मैक्सिमम, फिर डिक्रीज हुई होगी। मैं एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा यहाँ, बट मैं बस ये चेक कर रहा हूँ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो हम साफ साफ देख सकते हैं इससे, तो ये भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर आना चाहिए इसका 1, 2 और 4। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास म्यू जी इक्वल टू 3/2 हैज फोकल लेंथ एफ एंड एयर, एयर में इसकी फोकल लेंथ एफ दे रखी है। द इमेज ऑन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज इन्वर्टेड एंड रियल एंड मैग्नीफाइड, नाउ द होल अरेंजमेंट इज इमर्ज इन वाटर, म्यू दे दिया उसका विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, यू चेंज नहीं किया, तो सारा इफेक्ट पूछा है, ठीक है भाई। तो पहले तो देखो, कॉन्वेक्स लेंस ठीक है, तो ये हमें कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, इसकी एयर में 3/2 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ये आर फोकल लेंथ की बात करूं वो एफ दे रखी है। तो हमें पता है 3/2 जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है एयर में बात करें तो इसकी फोकल लेंथ एफ जो है वो आर के इक्वल ही आती है। चाहो तो कैलकुलेट कर लो, 1/f = 3/2 - 1 / r - 1/r, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 / r, तो यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हो गई f, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, इस 3/2 वाले को 4/3 के मीडियम में डुबो दिया, तो अब आ जाएगा नया फोकल लेंथ, वो आ जाएगा μ2/μ1 - 1/r - 1/r2, बेसिक साइन कन्वेंशन लगा सकते हो आप लोग। तो 1/f' की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया हमारे पास 9/8 - 1, तो 1/8, ये हो जाएगा यहां से 2/f, तो f' की वैल्यू आ गई यहां से 4f, f' की वैल्यू क्या आ गई 4f।
मतलब वाटर में जो है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 4f हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं जरा, एक चीज और इसमें जो पूछी है कि जब ये एयर में था तो ऑब्जेक्ट जो रखी थी इसके सामने f फोकल लेंथ, उसकी हमारे पास जो इमेज बनी उसके बारे में क्या बोला है, तो बोला है इमेज जो बनी है वो इन्वर्टेड है, रियल और मैग्नीफाइड है। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस से इन्वर्टेड इमेज बनी है और रियल बनी और मैग्नीफाइड इमेज बनी है, तो डेफिनेटली जो इमेज बनी है वो कहां बनी होगी, 2f के बाद में, और ऑब्जेक्ट जो है वो f और 2f के बीच में रहा होगा। ये हो गया u। अब हमने इस u को तो चेंज नहीं किया, मीडियम बढ़ दिया जिससे फोकल लेंथ हो गई 4f। फोकल लेंथ कितनी हो गई 4f। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो u जो है ना तुम्हारे पास f और 2f के बीच में, तो 4f से तो पक्का कम है, तो ऑब्जेक्ट हो गया इस नई कंडीशन के लिए उसकी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हो गया है तो इमेज जो बनने वाली है अब हमारे पास वो लार्ज बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी हमारे पास। क्लियर? तो नई फोकल लेंथ 4f, इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट, लार्ज। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। हाँ भाई, तो बोला है द न्यू फोकल लेंथ विल बी 4f, बिल्कुल सही बात है। द न्यू फोकल लेंथ इज f/4, नो। द न्यू इमेज विल बी वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, बिल्कुल सही बात है। न्यू इमेज विल बी रियल, नो। तो फर्स्ट 1 and 3 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हमें, टू आइडेंटिकल सिलेंडर्स, वन रोटेटिंग एट एंगुलर स्पीड 100 π/rad/s। तो ये आइडेंटिकल सिलेंडर्स है हमारे पास, ये घूम रहा है, ओमेगा दे रखा है इसका इनिशियली, वो है 100 π/rad/s। अब इनको क्या किया, कॉन्टेक्ट में लाया गया विद अदर, ये वाला रेस्ट पे था। सरफेस ऑफ बोथ सिलेंडर आर रफ, रफ है। इफ बोथ एक्वायर कॉमन एक्सेलरेशन 2 π/rad/s² देन पूछा है, तो देखो होगा क्या कि जैसे इनको टच में लाया जाएगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ ना कुछ है नीचे की तरफ ओमेगा, तो इसकी इस पे तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ एफ, इस पे रिएक्शन लग जाएगा नीचे की तरफ एफ, जिसकी वजह से इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मिलेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मिलेगा। दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन अल्फा हमको दे रखा है 2 π/rad/s². ठीक है, अब ये पहले वाला जो है उसके लिए ओमेगा के अपोजिट में अल्फा, तो ये तो होगा रिटार्ड, तो किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी अगर मैं लिखूं, क्लियर, तो वो हो जाएगी हमारे पास, काइनेमेटिक्स से निकाल लेंगे चलो थोड़ी देर में अभी, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी तो डिक्रीज होगी, और इसके लिए पहले तो वेलोसिटी जीरो है तो इसके लिए वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो पहले वाले की तो क्लॉकवाइज में डिक्रीज होते होते कुछ हो जाएगी ओमेगा डैश, क्लॉकवाइज में डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगी ओमेगा डैश। दूसरे वाले की एंटी क्लॉकवाइज में इंक्रीज होते होते फाइनली हो जाएगी ओमेगा डैश, और जैसे इनकी वेलोसिटी इसकी तो हमारे पास क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा डैश हुई, फाइनली इसकी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा डैश हो जाएगी। जैसे ही ओमेगा डैश हो जाएगी तो ये टचिंग पॉइंट जो है ना उनकी वेलोसिटी ओमेगा डैश आर सेम हो जाएगी, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, स्लिपिंग रुक जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूं फाइनली अगर बात की जाए तो फाइनली दोनों की जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा डैश मतलब सेम होगी बट अपोजिट सेंस में होगी। क्लियर है क्या? तो करते हैं जरा से, तो इसकी टी टाइम के बाद में, मैं मान लेता हूं टी टाइम में ये सारी कहानी हो गई, तो टी टाइम के बाद में पहले की वेलोसिटी में लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी माइनस अल्फा टी, ये तो हो गई पहले की वेलोसिटी। दूसरे की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो टी टाइम में हो जाएगा अल्फा, तो यहां से टाइम की वैल्यू अगर निकालूं तो ये आ गया 25 सेकंड, मतलब 25 सेकंड में ये दोनों हमारे पास कॉमन एंगुलर वेलोसिटी अचीव कर लेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी 2 π/T, तो ये आ जाएगी 50 π/rad/s। तो 25 सेकंड्स के बाद में इनके बीच फ्रिक्शन लगना हमारे पास बंद हो जाएगा, किसी तरह की स्लिपिंग नहीं होगी, और कॉमन एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो हो जाएगा 50 rad/s। अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो बोला टाइम आफ्टर विच दे अचीव इक्वल एंगुलर स्पीड इज 50 सेकंड, नहीं ये तो 25 है। एंगुलर स्पीड कॉमन एंगुलर स्पीड 25 पे होगी, नहीं 50 पे होगी। तो 2 and 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे पास। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा, तो यहां से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है इसमें,
हाँ भाई, बोला था रीजन बिटवीन x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू l, कि ये हमारे पास x एक्सिस पे x इक्वल टू जीरो और ये हो गया x इक्वल टू l, ठीक है। इस फील्ड विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के कैप, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, अ पार्टिकल ऑफ मास m, ये डायग्राम जरा मैं इधर बना देता हूं, ठीक है बाद में बना देंगे। पार्टिकल ऑफ मास m, पॉजिटिव चार्ज q एंड वेलोसिटी v नॉट i कैप, यहां से एक पॉजिटिव चार्ज का q, q चार्ज का और m मास का पार्टिकल v नॉट से i कैप में एंटर करता है अलोंग x एक्सिस एंड एंटर्स द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिंग ग्रेविटी थ्रू आउट द क्वेश्चन। इफ द पार्टिकल इमर्जेस फ्रॉम द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स फाइनल वेलोसिटी एट एंगल 30 डिग्री टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी द वैल्यू ऑफ l इज, समझना जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कि x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू l, ये है लेंथ l, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ b नॉट k कैप, यहां से हमारे पास एक चार्ज q मास m v नॉट से i कैप में एंटर किया, तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, v क्रॉस b से नीचे की तरफ लगेगा, तो यूं सर्कुलर मोशन का पार्ट कवर करते हुए ये आगे यहां पर इनिशियल डायरेक्शन से 30 डिग्री के एंगल पर बाहर निकल गया, तो L की वैल्यू पूछिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सर्कल जो है मान लो यहां कहीं है, ये रेडियस होगी R जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी हो जाएगी, एम बी नॉट वाई क्यू बी, ठीक है। अब ये 30, ये 90, तो ये 30, ये 30, ये 90, तो ये 60 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखना ये R, R cos 60, R sin 60, ये तो आ गया R cos 60 और ये R sin 60, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये बोला इनिशियल डायरेक्शन से 30 पर निकला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से द पार्टिकल इमर्जेस फ्रॉम द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स फाइनल वेलोसिटी एट एन एंगल 30 डिग्री टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ओके। कि पार्टिकल जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की जो है एंगल जो 30 डिग्री बनाया, ओके, इस पे निकला है, तो ये 30 हो गया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये 30 हो गया, ये हो गया 60, तो ये 30 है हमारे पास, ठीक है। अब देखना हमें L की बात करनी है, ये R है तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R sin 30, तो L की वैल्यू साफ साफ हमें दिखाई दे रही है, R sin 30, R की वैल्यू है m b नॉट बाई क्यू बी, sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब हमसे यही पूछा है कि नीचे यहां जो वाला जो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो 2 हो जाएगी यहां पर आंसर, ठीक है। यही पूछा है हमसे कि m b नॉट बाई k क्यू बी, तो k की वैल्यू बताओ, 2 हो जाएगी, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ भाई, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन, बोला डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू स्टार इज 10a, द मासेस ऑफ दीस स्टार्स आर m एंड 16m एंड देयर रेडियस आर a एंड 2a रेस्पेक्टिवली, अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज फायर स्टेट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लार्जर स्टार टुवर्ड्स द स्मॉलर स्टार देन इट्स मिनिमम स्पीड टू रीच द सर्फेस ऑफ स्मॉलर स्टार इज दिस, n की वैल्यू हमसे पूछी है, समझना जरा क्वेश्चन, m 16m a 2a और 10a, ओके। कहानी क्या है, ये एक तो ये स्टार है m मास का जिसकी रेडियस है a, एक और स्टार जिसकी रेडियस 2a, मास है 16m, दोनों के सेंटर्स के बीच में टोटल डिस्टेंस जो है वो है 10a। हमें इस सरफेस से, बड़े वाले स्टार की सरफेस से एक स्मॉल m मास मिनिमम स्पीड v देके प्रोजेक्ट करना ताकि यहां पहुंच जाए। तो देखो, पहले तो अगर बात करूं तो इन दोनों के बीच में कहीं न्यूट्रल पॉइंट होगा, यहां कहीं जहां पर ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होगा। इससे पहले अगर बात करूं राइट में तो इसका ज्यादा होगा, इससे लेफ्ट में इसका ज्यादा होगा, यहां जीरो है। तो देखो, यहां से अगर मैं वेलोसिटी दे के इसको इस पॉइंट तक पहुंचा दूं न्यूट्रल तक, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें मिनिमम इतनी वेलोसिटी देनी है कि जिससे ये एम जो है वो यहां तक पहुंच जाए। क्यों, एक बार यहां तक पहुंच गया उसके बाद तो इसकी ग्रेविटी अपने आप खींच लेगी इसको, तो हमें केवल इतनी वेलोसिटी देनी है जिससे ये इस न्यूट्रल पॉइंट सी पर पहुंच जाए। तो पहले तो सी की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, तो ये देखो, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं एक्स, तो उधर से हो जाएगी हमारे पास 10a माइनस एक्स, तो इसकी वजह से अट्रैक्शन लगेगा लेफ्ट में जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसकी वजह से लगेगा राइट में जी एम एम 16 वाला 16mm अपॉन 10a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो जी एम एम तो गया, दोनों तरफ रूट ले लो, तो 1/x इक्वल टू 4/10a माइनस एक्स,
तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास टेन ए माइनस एक्स इक्वल टू फोर एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 2a, मतलब ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास 2a, ये हो जाएगी यहां पर 8a। अब v निकालते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर सारी कहानी हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा सकते हो, तो v की वैल्यू आ जाएगी। तो लगाते हैं जरा, कि ये यहां से भी दे दिया, यहां पर वेलोसिटी हमको जीरो करना है फाइनली, क्योंकि एक बार यहां तक पहुंच जाए उसके बाद अपने आप चला जाएगा। तो देखो इनिशियली बात करते हैं, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो इसकी सरफेस पे तो यहां हो जाएगा माइनस जी 16m इंटू स्मॉल m अपॉन रेडियस 2a, इसके लिए 8a डिस्टेंस पे हो गया क्योंकि ये 10a है, ये 2a तो 8a, तो m की वजह से आएगा माइनस जी एम एम अपॉन 8a। फाइनली बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल की बात करें तो m की वजह से यहाँ आ जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन 2a, 16 की वजह से वहां आ जाएगा माइनस जी 16 एम एम अपॉन डिस्टेंस हो गई 8a। सॉल्व कर लो v आ जाएगा यहां से, तो वैल्यू आ गई देखो कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम एम बाई a, तो मैं ले लेता हूं कॉमन, तो यहां से आ जाएगा 8 जो कि उधर जाके हो जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा प्लस का 1/8, माइनस 1/8 उधर हो जाएगा प्लस, यहां आ गया हमारे पास माइनस 1/2, यहां आ गया 2, तो ये वैल्यू देखो कितनी हो गई, 2 से ये 2 आया ना माइनस 2, माइनस 2 में 8 में से 2 जाए तो ये बन जाएगा 6, तो ये आ गया हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम एम बाई ए, सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो 8 एलसीएम ले ले, ये हो गया हमारे पास 48 प्लस 1 माइनस 4, तो 48 में से 3 गए तो 45/8, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 45/8 जी एम एम अपॉन ए, एम से एम गया 2 से ये जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स, तो वी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 45/4 जी एम बाई ए। अब देखते जरा उसने क्या दे रखा है, हाँ भाई इसने जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रूट एन बाई फोर जी एम बाई ए, तो साफ साफ देख सकते हैं n की वैल्यू 45 हो जाएगी, करेक्ट आंसर 45 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ भाई 3 देखें जरा, बोला अ गिटार स्ट्रिंग प्रोड्यूसेस 4 बीट्स व्हेन साउंडेड विद अ 350 हर्ट्ज ट्यूनिंग फॉर्क, कि हमने क्या किया 350 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क लिया, उसके साथ एक गिटार को क्या किया हमने बजाया, तो 4 बीट आई, तो मतलब इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना गिटार की वो या तो कितनी रही होगी इससे 4 कम मतलब 346 या 4 ज्यादा मतलब 354 रही होगी। आगे बात करते हैं, आगे क्या बोला है, एंड 9 बीट्स व्हेन साउंडेड विद अ 355, जब हमने 355 के साथ बजाया तो 9 बीट चाहिए, तो देखो अगर ये रहा होगा तो या तो 1 बीट मिलेगी मतलब ये नहीं है, ये रहा होगा या 9 बीट मिल रही है, तो गिटार की फ्रीक्वेंसी हो गई 346। तो उसने बोला है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज दिस, मतलब 346 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 173 इंटू एन, तो एन की वैल्यू यहां से हम देख सकते हैं, तो इससे देखो ये 2 बार डिवाइड हो जाए तो एन की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 2, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर का, देखना जरा क्या बोला है, अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस आर, ये हमारे पास रेडियस आर की एक सर्कुलर वायर लूप हो गई, इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन सेंटर्ड एट द ओरिजिन, ठीक है एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन पे सेंटर है, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, ए की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन आर बोली है, ठीक है मतलब इस स्क्वायर के हर एक पॉइंट पे मैं इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको सेम मान लूंगा क्योंकि एक्सियल पोजिशन पे, जेड की वैल्यू √3r दे दी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप एस, ठीक है द प्लेन ऑफ द लूप मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द जेड एक्सिस, कि ये जो जेड ये जो हमारे पास लूप ऐसे होती तो जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल हो जाता कितना 90 डिग्री, अब इसका जो प्लेन है जेड एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है ये 45 दे रखा है, ठीक है मतलब मैं अगर बात करूं ये जेड एक्सिस और ये मेरे पास अगर हैंड जो है मेरे पास एक शीट की तरह बिहेव कर रहा है स्क्वायर लूप की तरह है, तो इसका एरिया वेक्टर हो गया इधर मैग्नेटिक फील्ड है इधर एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है तो फ्लक्स लिखूंगा तो बी ए कॉस 45 करूंगा,
तो आगे बोला क्या है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन लूप्स इज दिस देन पी की वैल्यू पूछिए, कुल मिला के म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है। क्लियर? ठीक है भाई, तो देखना जरा। तो एक करंट कैरिंग कॉइल की वजह से जो एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड आता है, दूर की तरफ आता है अलोंग द एक्सिस, उसकी वैल्यू आती है हमारे पास v इक्वल टू म्यू नॉट वाई टू आई v इक्वल टू म्यू नॉट वाई टू, ठीक है, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इतना मैग्नेटिक फील्ड आता है एक्स पर। ठीक है, अब यहां पर हमें वैल्यू दे रखी है एक्स की, तो ये वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, तो वी की वैल्यू आ गई यहां से म्यू नॉट बाई टू आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक्स की वैल्यू दे रखी है रूट 3r, तो ये बन जाएगा 3r स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर की वैल्यू 3/2, तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 4 का रूट हो जाएगा 2, तो 2r का क्यूब, तो ये बन जाएगा 8r क्यूब। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई इस जगह पर म्यू नॉट आई अपॉन 16r, ये तो आ गया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखना इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल है 45, तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास B इंटू एरिया ऑफ द स्क्वायर लूप एरिया इंटू कॉस 45, साथ में लूप अगर होंगे तो n से मल्टीपल भी कर देंगे, तो ऐसा कुछ बोला है क्या इसने, लूप दे रखे क्या, स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए हैविंग टू टर्म्स भी दे रखे, तो 2 से मल्टीपल भी कर देंगे। क्लियर? ये आ गया हमारे पास फ्लक्स इस स्क्वायर लूप से पास होने वाला। ठीक है, तो फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव की वैल्यू आ गई 2 म्यू नॉट आई अपॉन 16r ए स्क्वायर कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/√2, तो इससे गया ये 8 टाइम्स, तो phi की वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू नॉट ए स्क्वायर आई अपॉन आर, 2 की पावर 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 हो जाएगा 2 की पावर हाफ, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 की पावर 7/2, तो ये आ गया हमारे पास फ्लक्स। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बोलती है हमारे पास, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कैसे निकालते हैं कि एक कॉइल की वजह से दूसरी का जो फ्लक्स होगा, एक कॉइल की वजह से जो दूसरी का फ्लक्स आएगा फाई, वो होता है एम इंटू आई, पहली कॉइल में करंट जो है वो ले लिया हमने आई, कि भाई पहली कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में जो हमारे पास फ्लक्स आएगा उसकी वैल्यू हो गया एम इंटू आई, आई है यहां पर पहली कॉइल में। तो यहां पर अगर तुम देखो इससे कंपेरिजन करो तो ये जो फैक्टर है ना ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया इसका। अब यहां देखते हैं, तो इसने ऐसे दे रखा है म्यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन आर और 2 की पावर p/2 दे रखी, तो p की वैल्यू यहां पर क्या रही होगी 7 रही होगी। क्लियर है क्या? तो ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ, सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहें, सभी को गुड लक, थैंक यू।